नमस्कार दोस्तों। और अभी मेरा फ्योर्ड का टूर है गेस्ट के साथ में, तो अभी हम गेस्ट का वेट कर रहे हैं। और ये आप डव क्रूज देख सकते हैं, बिल्कुल तैयार है अभी। और जैसे ही गेस्ट आएंगे तो हाफ डे का जो है डॉल्फिन दिखाने के लिए, डॉल्फिन वॉचिंग और फ्योर्ड में एक स्विमिंग ब्रेक भी लेंगे। तो अभी वेट कर रहे हैं। और इस साइड में ये फ्रूट्स, चाय, कॉफ़ी, डेट्स वगैरह रखी हुई है। और इस साइड में ये इधर पानी और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। तो अगले 10-15 मिनट में गेस्ट आने वाले हैं और हम लोग तैयार हैं। अभी मित्रों डॉल्फिन की अच्छी साइटिंग हो रही है और जो सारे जर्मन गेस्ट है वो डॉल्फिन वॉचिंग का आनंद लेते हुए, अभी बड़ा जो डॉल्फिन का पॉड है शायद 8 से 9 डॉल्फिन साथ में है, तो वो यहाँ पे मूवमेंट कर रही है। तो सभी आप देख सकते हैं, टूरिस्ट कोई फ़ोटो खींच रहा है, देख रहे हैं सारे डॉल्फिन वॉचिंग का आनंद लेते हुए। अभी टेलीग्राफ आइलैंड के पास में स्विमिंग के लिए रुके हुए और कुछ लोग आप देख सकते हैं स्विमिंग के लिए गए हुए। और पास में हमारी कंपनी का ही एक डाव आके इधर रुका हुआ है। नॉर्मली हम टाइम दे देते हैं 40 मिनट और कभी आधा घंटा भी देते हैं, डिपेंड करता है कि कितना टाइम बचा है। और उसके बाद भी यहाँ आके लोग ये फ्रेश वाटर शावर लेना हो तो फ्रेश वाटर शावर ले लेते हैं, और जो स्विमिंग के लिए नहीं जाना होता वो नॉर्मली रुक जाते हैं, यहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, नज़ारों का आनंद लेते हैं। और इसके बाद हम फ्योर्ड का चक्कर लगाएंगे और डॉल्फिन उसमें दिख जाती है नॉर्मली। और हालांकि डॉल्फिन साइटिंग तो हमको आज हो गई पहले, और धीरे धीरे लगभग 12:30 के लगभग वापस चले जाएंगे क्योंकि आज ये हाफ डे का ही प्रोग्राम है। और ये इधर हमारा छोटा कैप्टन है जो हेलो, ये छोटा कैप्टन है, अभी इसको फोटोग्राफी में लगता कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ऐसे देख रहा है कि जैसे मैं क्या कर रहा हूं इसका। ये अपने पापा के साथ में बैठा है। एंकर को हटा के वापिस स्विमिंग के बाद में सारे लोग आ चुके हैं, एंकर को हटा के डाउ को ले जाके अभी फ्योर्ड के अंदर में जाएंगे, थोड़ा इनको फ्योर्ड को अंदर से भी बताएंगे और धीरे धीरे ताकि गेस्ट एंजॉय कर सके। और ये हमारा ओमानी कैप्टन है मिस्टर अहमद, आज अपनी ट्रेडिशनल पोशाक में है। ये देखिए अहमद, फाइन फाइन फाइन। Genau. Ja, wir sind jetzt schon auf dem Rückweg.
और अभी फ्योर्ड से हम बाहर आते हुए हैं और ये देख सकते हैं एक और डव क्रूज साथ में चल रहा है, हमारी कंपनी का ही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये सामने अगर आप देखेंगे तो पर्शियन गल्फ है, यहाँ से बाहर आते हुए। ये देखिए पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर है, हालांकि चूने के पत्थर की वजह से ये सूखी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़े बहुत बबूल के और पेड़ या झाड़ियाँ हैं। ये देखिए सामने समुद्र, हालांकि आज शांत है तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये दूसरे डव में ये माइनशिप के ही क्लाइंट्स हैं, और माइनशिप चूंकि ये जर्मन कंपनी से ऑपरेटेड है तो इसमें ज़्यादातर जर्मन गेस्ट ही आते हैं। हमारे डव का अंदर से नज़ारा, और अभी हम ऑलमोस्ट फ्योर्ड से बाहर आ चुके हैं। और ये पीछे की साइड में जब बोट चल रहा होता था डव तो उस समय ये लोग फोटोग्राफी भी करते हैं और स्मोकिंग के लिए भी ये जगह है। ये आज हमारे डव क्रूज में काफी छोटे बच्चे भी हैं, फैमिली भी साथ में है, तो ये फैमिली ट्रिप भी है उनका, तो काफी छोटे बच्चे भी एंजॉय करते हुए। और फाइनली मित्रों टूर ख़त्म हो गया है और ये मैं कसाब पोर्ट पहुंच चुका हूं। सामने माइनशिप खड़ा है, आप देख सकते हैं, और यहां पे जाके सारे क्लाइंट उतर के चले जाएंगे।